Hey, what's up guys? This is Krishna Ki Shazwani Blog and welcome to another new blog. तो भाई आज का कुछ सीन अलग होने वाला है, मतलब कि हमारा पूरा क्लास है तो आज वो सब जन मिलने वाले हैं, गेट टुगेदर होने वाला है, बहुत फंटास्टिक दिन होने वाला है और कई नए सारे लोग मिलने वाले हैं आज, तो मिलवाते हैं सबको। और भाई आज का दिन होने वाला है फुल टू फुल फैंटास्टिक एंड अमेजिंग, तो लेट्स कम विथ मी, दैट वी विल गो एंड एंजॉय द डे, लेट्स गो। फाइनली हम लोग निकल गए और हमारा गेट टुगेदर है होटल दीपाली की फ्रंट पार्किंग में और हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि उसके बाद हम जाने वाले हैं स्कूल सभी लोग, और स्कूल की फॉर्मेलिटीज वगैरह थी तो कल एप्लीकेशन हम दे आए थे और प्रिंसिपल मैम से वो ले आए थे परमिशन कि वी कैन कम और नॉट, तो उन्होंने बोला था कि या यू कैन कम। तो हम लोग हमारा प्लान है कि हम पहले जाएंगे स्कूल और स्कूल के बाद सब टीचर्स फैकल्टी से मिलेंगे एंड उसके बाद वी विल गो फॉर अ फाइन। हमने एक होटल बुक करके रखी हुई है तो हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे पूरा मैनेजमेंट हमारा सेट है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, पहले सबको मैंने 11 बजे का टाइम दिया और अभी 10:30 हो रहे हैं, तो हम पहले जाने वाले हैं होटल में मैनेजमेंट देखेंगे और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि कैसा क्या है, बाकी सब 11 बजे गेट टुगेदर हो ही रहे हैं तो चलो मिलते हैं। हम फाइनली आ गए हैं होटल में और दिस इज आवर होटल, मतलब जहाँ पे सब होना है, तो एक वॉक अराउंड थोड़ा सा देते हैं हम आपको कैसा दिख रहा है हमारा होटल। और पहले हम रूफ में करने वाले थे बट भाई बहुत बहुत गर्मी है तो हम रूफ में नहीं कर रहे हैं, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे करेंगे, तो इधर पूरा मैनेज कर रहे हैं और यहाँ पे होने वाली है हमारी आज पार्टी एंड दिस इज आवर स्विमिंग पूल। तो बढ़िया स्विमिंग पूल के साइड में तो वाइब्स भी अच्छी रहेंगी और बाकी होटल इज नाइस एंड सब आ रहे हैं, तो अभी हम पहले आए हैं यहाँ पे मैनेजमेंट करने और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फाइनली बहुत सारे लोग आ चुके हैं और सिर्फ 2-3 लोग बचे हैं, तो अभी सबसे कराते हैं मीटअप और अच्छा लग रहा है भाई, इतने दिनों बाद अपने सब भाई बहन यहाँ पे हैं और अपना एक भाई और आ गया है इंस्टाग्राम के भी। हेलो इधर अभी भाई वो थोड़ा सा उसमें है, शौक में है। अरे भैया बाकी भाई लोग खड़े हैं, बाकी कराते हैं भाई अभी। फाइनली सब आने वाले हैं एंड जो बचे थे वो भी सब डायरेक्ट स्कूल पहुंचने वाले, तो अब हम जा रहे हैं स्कूल और लेट्स सी क्या होता है। So the finally day has arrived and 29 है भाई आज, तो सभी भाई और बहनें हैं अपनी यहाँ पे आज साथ में। तो hey, what's up guys? कैसा लग रहा है आज स्कूल आके? तो फाइनली अपनी मेमोरीज भी क्रिएट हो रही हैं आज बड़े दिनों बाद। तुम लोग बोल लो पहले। चलो तो अभी मतलब हम तो अभी हम पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करके जा रहे हैं, हम बना रहे हैं लाइन, तो हम देखते हैं क्योंकि मतलब स्कूल का प्रोटोकॉल और रेगुलेशंस होते हैं ना कि लाइंस में एक गर्ल्स की लाइन अलग रहेगी, एक बॉयज़ की लाइन अलग रहेगी, तो हम वैसा पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और साथ में जा रहे हैं अंदर। और हमारी प्रिंसिपल मैम से हमने कल परमिशन ले ली थी, हमने आपको बताया था, तो उस हिसाब से हम पूरा रूल्स फॉलो करेंगे, किसी भी प्रोटोकॉल या डेकोरम को हम मतलब ख़राब नहीं करेंगे स्कूल के। तो आप चेक करो जैसे लाइन वाइन हम रेडी कर रहे हैं। शी इज माई प्रिंसिपल। देखो ऐसे रूल्स फॉलो हो रहा है, प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, इन्हें बैठो बैठो बैठो, कह रहे चेयर्स कम है तो हम इधर बैठ जा रहे हैं, बैठ जाओ। ये अपने भाई चारा भाई ये विनायक अपना, ये कृष्णा। हेलो कैसा लग रहा है स्कूल? एक नंबर भाई यार, अरमान को कैसा लग रहा है? मजा। सर आपने सर
She is our director, ma'am. This is Parul Sao Keshri. Studying. Currently he is in 11th. I am currently preparing for director in filmmaking in Noida. In Noida, and currently my web series is also coming in North Star very soon. Okay. I hope you will share that on YouTube. Yeah, yeah, sure. Next, next. Yes. And now I am doing BBA editing for 16th. Wrestling. Yes. Okay. This is Sathak Sao. I am pursuing a B.Tech degree from LSE Bhopal. LSE Bhopal. Next. I am doing BSc Agriculture from Bharata Pala University. सो गाइज हमारे डायरेक्टर सर हैं हमारे स्कूल के नीरज सर। वी आर प्लानिंग टू गो इनसाइड ओ मैं साइड में वन सिंगल लाइन जस्ट मेंटेन द डिसिप्लिन डोंट डिस्टर्ब दिस इज साइड सर ब्लॉग ब्लॉग यूट्यूब ब्लॉग यूट्यूब ब्लॉग मूव अहेड परफेक्ट मूव अहेड गुड ओके फाइनली वी आर इन मतलब भाई आज तक किसी ने ऐसा प्रोटोकॉल किया नहीं होगा वी आर इन अ वन सिंगल लाइन गर्ल्स आर इन द बैक एंड बॉयज आर इन द फ्रंट और हम जा रहे हैं अभी स्कूल के अंदर और सब टीचर्स वगैरह से मिलते हैं इन द फर्स्ट टाइम ऑफ इज जी आई हिस्ट्री ऐसा कुछ हो रहा है से हेलो सर आप कुछ बोलना चाहोगे आई एम हैप्पी टू सी माय ओल्ड स्कॉलर्स है ना एंड आई ऑलवेज विश बेस्ट ऑफ लक टू देम दे शुड डू बेस्ट इन देयर लाइफ एंड मेक अस प्राउड मिल लीजिए मुझे जानती हो जानती हो ना मैम मुझे कौन है मैम यस यस हेलो और आ रहे हैं ये हमारा मैं से मतलब हम डे बोर्डिंग में पढ़ती थी तो हमें लंच वगैरह सब यहीं पे मिलता था आप लोगों से आई टेक
But first of all, keep quiet. बहुत दिनों बाद GIS का खाने मिल रहा है गाइस प्रॉपर लाइन पे चलो ठीक है भाई। तो पकड़ने का मौका दो। अरे बिल्कुल भाई पकड़ लो। दो तो भाई। ये हमारा कृष्णा भाई, डिसिप्लिन ब्रो, हमारे क्लास का मॉनिटर है भाई। मॉनिटर मॉनिटर नहीं है भैया, सब मॉनिटर भाई के जलवे, भाई के जलवे। हाथ पीछे कर, हाथ पीछे करके चलो भाई। अरे अरे जाला बोल रहा है इसको ब्लॉग में। ये हमारे यहाँ का डेंगरू डेंगरे भाई है। ये हमारे यहाँ का कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हाँ इसको हम लोग प्यार से मच्छर बुलाते थे। ये हमारा मिश्रा मिश्रा जी हैं, ये अपने सिद्धार्थ भाई हैं। हमारे जाने के बाद हमारा स्कूल कितना प्रोग्रेस हो गया है। हाँ देख सकते हैं पार्किंग आर्किंग इधर हमें देख सकते हैं पार्किंग इधर। हम जब थे तब पार्किंग नहीं थी, वॉलीबॉल ग्राउंड नहीं था, स्विमिंग पूल नहीं था, बट अब सब है। तो भाई देखो ऐसी स्विमिंग पूल मतलब ऐसा बन गया, सेंसर वेंसर लगे हैं आज के समय में। अरे भाई ये खुल क्यों नहीं रहा है इसको? छोटू भैया इसको खोलो ना, खोलो यार बताओ ऐसी वो भाई स्विमिंग पूल भाई का बता तुम भाई का बता ना भाई सबसे पहले हम स्विमिंग पूल आओ सिद्धांत क्या कह रही दर्शना तुम्हें जाना है उसको धक्का दो चलो ग्रुप पे चल लेना यहाँ पे। हाँ मयंक। अरे मत कर बता ना ग्रुप पे चल लेनी है इधर पे। नहीं ये विदुषी गाइस जानती हो आपने ब्लॉग्स में देखा हुआ है इसको बहुत। मैं आ चुकी हूँ ब्लॉग में तो एक बार आ चुकी है। चलो आओ क्यों यार कर लो यार भाई ऐसी गर्मी भी है। अब अगले दिन का कल का स्विमिंग पूल का कर ले यार, पर एक घंटा लेट हो जाए यार। कपड़े का है तुम्हारा ये यार तो हाँ, अब बताओ तुम तो इसका विचार है कि भाई अपन स्विमिंग पूल कर लेते हैं। स्विमिंग पूल नहीं कर लेते स्विमिंग कर लेते हैं। हाँ तो मतलब पूल के अंदर स्विमिंग कर लेते हैं। वो वाटरफॉल कभी किसी ने देखा नहीं है गाइस। ये वॉटरफॉल और ये यहाँ चार छपरी लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं फाइनली होटल पार्टी हाउस और अब यहाँ पे हमारा पूरा फंक्शन कंटिन्यू होने वाला है। हम इसके बीच का करेंटली हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए क्योंकि स्टोरेज कुछ प्रॉब्लम हो गया था। Remember those carefree school days, the classroom, the shared lunches and the dreams we crushed back with a wonderful bond. Life has taken us on separate path, but our bond has remained. Unbreakable, each one of you holds a special place in my heart and it's amazing to witness the incredible individual you have welcomed. Let's take a moment to relive our shared stories, laugh a little louder and a hug a little tighter. So, we have prepared some things for you, which will continue. What do you think? Now, what are you doing? Are you making questions from yourself or from yourself? So, if you're doing it, don't judge. अच्छे लगे तो ताली बजा देना, हंसाता हूँ रुलाता हूँ खिलाता हूँ पढ़ाता हूँ। अब ये कोई टीचर है अपनी, पढ़ाई में कराती हूँ डांस भी सिखाती हूँ। कोई आइटम है ठीक है, स्कोर 4-3 है, वो लोग अभी कैसा कर सकते हैं थोड़ा ध्यान दे लो। आवाज में करता हूँ अरमान को पनिशमेंट भी दिलवाता हूँ। अब
सिस्टम सिस्टम करने वाले मेरे पास आते हैं, लड़ाई में एक दूसरे को मार के वहीं से घर जाते हैं। आदत ले गया ये पॉइंट। ये आपने लक्ष्य का कोई आइटम है, ठीक है, स्कोर 4-3 है, वो लोग अभी कैच अप कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान ले लो। हमने एक गेम डिसाइड किया था कि कैसे, मतलब बताते हैं आपको कैसे खेलना है। तो इसमें ना दो टीम्स रहेंगी, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों खड़े रहेंगे और सबके एक एक पार्टनर होगा। उनके बीच में ना हम एक एक कप रख देंगे, तो हम अपना वो मतलब ऐसे बोलेंगे कि हैंड्स अप, तो आपको हैंड्स अप करना है, हैंड्स डाउन तो हैंड्स डाउन करना है, और एक टाइम पे हम बोलेंगे कि वो कप उठाना है। तो किसी एक दो पार्टनर में से एक जन को कप उठाना है वो विनर होगा, फिर जो बचेंगे फिर उनका होगा, जो बचेंगे उनका होगा, और उनके लिए अच्छा खासा प्राइज है फिर। ठीक है, तो आ गया ना, वेलकम रुद्रांश। तो भाई भोपाल से आया अभी अपना। माधव और विक्रम पार्टनर, ठीक है, एक विनायक और कृष्णा पार्टनर। देखो भाई, किसी को कोई कमर में बैकबोन में दिक्कत दिक्कत तो नहीं है, नहीं तो वो वैसे ही हो जाए पता चला। राइट बोलेंगे तो राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट बोलेंगे तो लेफ्ट हैंड ऊपर, ठीक है। राइट 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 लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट कप। ओ तो भाई कैसा लगा आप लोग को आज, मतलब अच्छा लगा ना, मतलब कोई परेशानी वगैरह या कुछ गलती हो गई हो मेरे से तो वेरी वेरी सॉरी, कुछ भी मिसबिहेविंग हुई हो तो वेरी वेरी सॉरी यार उसके लिए। और ये छोटा सा रिटर्न कार्ड है सबके लिए, कल रात में बैठ के पूरा लिखा है, प्रिंट आउट भी आया है और पूरी रात कटिंग करी है बैठ के। तो ये छोटा सा गिफ्ट मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये आप अपने पास हमेशा रखना, इससे याद करते रहोगे आप मतलब। तो पहला है मयंक का, दूसरा रुद्रांश, ये कार्ड तुम्हारे लिए है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, ये दिल से लिखा है भाई, थैंक यू सो मच। यार प्लीज ऐसे ही मिलते रहना, क्योंकि ना अभी भी बाहर जाने से बहुत सारी चीजें पता चली है कि ना जो फ्रेंड स्कूल में बनते हैं ना वही फ्रेंड शायद लाइफ लॉन्ग रहते हैं, बाहर वाले फ्रेंड्स भी होते हैं, सेल्फिश होते हैं। सब आपको आपसे मतलब है, आप अच्छे हो तो अच्छे, बुरे हो तो बुरे हैं, आपको वो इन चीजों को लेकर जज करते हैं। बाकी भाई जो ये वाले फ्रेंड्स हैं ना, ये दिल से मतलब इतना कोई कार्ड वगैरह उनके लिए करते हैं जो दिल से अटैच होते हैं, उन फेक फ्रेंड्स के लिए कभी नहीं करते हैं। तो बाहर जाके बहुत सारी चीजें पता चली है, तो थोड़ा सा दिल से छोटा सा करना है प्रोग्राम तो करते हैं। और थैंक यू सबके लिए अपने एफर्ट्स देने के लिए, प्लीज आने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा दिल से। जैसे भी कृष्णा ने बोला था, किसी और को कुछ बोलना है तो क्या हो गया, कोई भी किसी को कोई मेमोरी शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ या किसी को कुछ थैंक यू बोलना है, कुछ भी अच्छा बोलना है तो बोल दे, किसी को भी बोल लेते। देखो अभी अपन सब बड़े हुए हैं, मैच्योर हो गए लगभग सब, तो अभी हम दोस्त बनाते कहीं ना कहीं पॉइंट पे हम मतलब या वाइब देखते हैं, लेकिन स्कूल में जो हमने दोस्त बनाए हैं वो या तो हमने रैंडम बनाए या तो साथ में बैठ गए कभी, टीचर्स बैठा देते थे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि मुझे आज को इतने जयपुर से बुलाने के लिए, कृष्णा थैंक यू सो मच, और तुम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया इतने अच्छे से, थैंक यू। और मैं जयपुर से लास्ट मोमेंट पे टिकट करा के, और मेरी एप्लीकेशन में आप बहुत से आ
फोटोज देखना मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो बस मैं पहुंच गई क्लास, मैं लाइन में लगी थी, नीचे देख रही थी, यू नो कंकड़ देख रही थी कि कितने कंकड़ है ग्राउंड लिटरली। सो मोमेंट्स होते हैं ना लाइक छोटे छोटे से जो हमने कभी स्पेंड करे होंगे वो बहुत अच्छे से याद है मुझे, बहुत छोटा मुझे आज भी याद है। मेरे दोस्त ज़्यादातर बने 10th 11th 12th, मतलब इसमें मैं ज़्यादा मैच्योर टाइप हुआ और मेरे को समझ में आया कि कौन साथ में है जो सच में लॉयल है। और दूसरे जो ये नहीं बोलूँगा कि दूसरे जो थे वो लॉयल नहीं थे, उनका ये था कि उनमें थोड़ी सी मैच्योरिटी थी और वो अपना अपना देख रहे थे उस समय। तुमने कहीं ना कहीं धोखा दिया, उसका होता है, हार्ट पे तो सबको होता है। एनी टाइम यू नीड इजी मैन से तो उसके बाद मेरी पहले तो मैं फोर्थ क्लास में आई थी, मेरी ज़्यादा किसी से बात नहीं होती थी। जब मेरी वो ग्रुप बनना स्टार्ट हुआ था वो 8th से हुआ था, अरमान मायम कृष्णा सबके साथ, ये 9th में आया। इससे तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी मेरी 9th के बाद से। स्नेहा से 11th में मेरी बॉन्डिंग होना स्टार्ट हुई थी, उससे पहले ज़्यादा बात नहीं होती थी। लेकिन 8th 9th 10th जो मज़े किए हैं स्कूल में वो बेस्ट थे। 11th 12th तो लॉकडाउन में निकल गया, लेकिन 8th 9th 10th बहुत अच्छा टाइम था। मैं सुनीता दुबे जब क्लास टीचर थी, फोर्थ टाइम भी इवन मेरी हेल्थ कंडीशन के स्नेहा साथ थी, मैं मतलब 9 साल हो गए मुझे GIS साथ घूमना से फिर रहता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैम से, कृष्णा से, माधव से सब लोग मिले, बनाया सब लोग मिले, सबसे अच्छी दोस्ती भी मिली। फिर देखो भाई मैं थोड़ा लंबा बोल सकता हूँ, मेरे को रोक लेना। बात यह है कि अभी बोलता है तुम्हारे 100 दोस्त होंगे, ठीक है 50 से तुम बात करोगे, 20 काम के होंगे और 4 असली दोस्त होंगे। ये असली बात है, कोई मजाक बात नहीं है। हर किसी के सिर्फ 4 ही दोस्त होते हैं जो उसके लॉयल होते हैं, लेकिन आज जो इस रूम में गैदर है वो हर कोई एक दूसरे की लाइफ में इम्पैक्ट तो करता ही है, क्योंकि अपन सब एक ही क्लास में पढ़े हैं, क्लासमेट्स रहे हैं, ठीक है। शुरुआत यह मेरा पहला स्कूल फ्रेंड शुभम था नर्सरी में, जब पता नहीं तो फ्रेंड होता गया तब वो बन गया था, ठीक है। फर्स्ट में अंशिका थी, हम सब एक दूसरे को जानते थे लेकिन ऐसा कुछ बातचीत नहीं होती। सेकंड क्लास में आधा ही लड़ा ये कृष्णा केशव, हम लोग की दोस्ती होने नहीं वाली थी, शाश्वत खुद हो गई थी। तब से देखे अभी तक मुझे ऐसा फील होता है कि डेस्टिंग दोस्ती थी वो, क्योंकि वो नहीं करा था तब भी हो जाती, क्या पता है वो सब बहुत लंबी बातें हो जाएगी। पता ही चला कि भाई हम लोग क्लिक करते हैं बहुत अच्छे ऐसा फ्रेंड और ऐसा भाई लोग। तो बात वही आती है एंड में कि अब अपन सब लोग अपनी लाइफ के दूसरे फेज में जा रहे हैं। पहला फेज जो था दोस्ती यारी मस्ती मजाक पढ़ाई वो ओवर हो गया है। पूरी पहले सोसाइटी जज करती थी कि आपके मार्क्स कितने आते हैं, अब सोसाइटी जज करेगी आप कमाते कितना। देखो मेरा एडमिशन 9th में हुआ था गेटमेंट में, गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारे दोस्त थे लेकिन मैं सबसे दोस्ती बहुत खत्म हो गई थी, पहली खत्म हो गई थी उनसे, खत्म हो गई। 9th में आके पता चला कि ठीक है दोस्त कैसे होते हैं, असल में दोस्त कैसे होते हैं। और किसी ने बोला कि ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता दोस्तों को और बाइक मैच हो जाती है, तो वो ये दोस्त हैं जो बैठे हुए हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी ज़िंदगी को मेमोरेबल बनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आज सब एक साथ आने के लिए। कृष्णा तो मेरे पास कॉल आया था, बोल रहा था कि मैंने मायन से बात की इस बारे में, तो मैं बोल रहा था कि क्रिक चक्र में पड़े हो यार, सबको क्या लेवल कोई नहीं हो पाएगा, इम्यूनिटी नहीं हो पाएगी ऐसे वैसे। फिर उसने मेरे से बोला कि यार हमसे तुम पे लगता है कि हाँ अपन की मतलब वाइफ में तो एक ही अपन को भी लगता है कि साथ में सब आए। तो मैंने कहा कि मैं भी ट्राई करूँगा, मैं सपोर्ट करूँगा। तो मैंने उससे बोला भी कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, उसने मुझे बताया कि इसको कॉल कर लो, इसको बुलाओ। तो मैं जितना हो सका स्कूल में बनाई है साथ में, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले मुझे एक ही सुना। तो पहले बहुत क्लास से ग्रेट मैं इंटरनेशनल स्कूल ज्वाइन करी थी और 7th क्लास में निकाल दिया था। मतलब ये फ्रेंडशिप जो ग्रुप है ना ये सबको नहीं मिलता, बहुत किस्मत वालों को मिलता है। मतलब मैंने कभी अच्छी लाइन नहीं पकड़ी है, रियलिटी है, मैंने कभी अच्छे दोस्त नहीं बनाए, मैंने हमेशा गलत दोस्त बनाए और अभी भी आज वो बुरा लगता है कि कभी मैंने अच्छे दोस्त नहीं बनाए। और अब ऐसा लगता है कि वो जन थे जो मतलब मैंने मिस कर दिए, अब आप खुद तो रेगुलर रहे, उन्होंने डमी करी है।
सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के को गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार राना तो भाई अब फाइनली घर आ गए हैं क्योंकि भाई बहुत थक गए थे, सुबह से शाम हो गई थी तो सब कपड़े वपड़े कर लिए हैं चेंज। इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। तो आई होप यू विल लाइक दिस ब्लॉग। तो भाई अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करो डेली अपडेट्स के लिए। तो बाय बाय।